तो मतलब सुबह सुबह ही उठ के पकड़ के बजा दिया बांग्लादेश को। मतलब हम सबको पता तो था कि ये टेस्ट मैच इंडिया ने जीतना है। ये जो बांग्लादेशियों ने मतलब घंटे के जो पाकिस्तान को घर में फेल किए थे ना, मतलब ये सोच रहे थे कि यार इंडिया को भी हरा देंगे। रोहित शर्मा 11 की और बांग्लादेश को कंप्लीटली बैम्बूजल कर दिया। और अगर फेयरली देखा जाए मोहसिन भाई, तो इंडिया ने पहली इनिंग्स में बांग्लादेश को नॉकआउट कर दिया था। आज आपके साथ इंडिया और बांग्लादेश के बीच टेस्ट मैच का सिलसिला जारी और सारी था। वो टेस्ट मैच बिलआखिर गया, वो खत्म हो चुका। चौथे दिन के लंच के इख्तिताम पर ही ये टेस्ट मैच जो इंडिया ने जीत लिया, और इंडिया ने अपनी रवायत जो है बरकरार रखी है। इंडिया जब भी अपने घर के ऊपर जो टेस्ट मैच खेल रहा होता है तो चौथे दिन से आगे जो इंडिया किसी को जाने नहीं देता। हां था कि पहले सेशन में मोस्ट लाइकली जो है वो इंडिया ये मैच अपने नाम कर लेगा, और वैसे ही हुआ। पहले सेशन में मैच अपने नाम कर लिया और थोड़ी सी रेजिस्टेंस आई शकीब और शांतु के, और फिर जैसे शकीब आउट हुआ फिर तो चल तू चल, तो मैं आया साइकिल स्टैंड की तरह विकेट गिरी है था, 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 और पाकिस्तान की तरफ आया था 2-0 करके चला गया। तो एक है बांग्लादेश जो कि इंडिया से खेला और ना उनको यहाँ ये समझ आया कि हमने खड़ा कैसे होना है, हमने बैठना कैसे है, हमने पेनिट्रेट कैसे करना है। या फेजेस में बांग्लादेश अच्छा नजर आया और बिल्कुल टेबल्स को टर्न कर दिया। भारत बड़ी अच्छी सेफ एंड साउंड पोजीशन में है पाकिस्तान के मुकाबले में। अगर हम बात करें तो ये जो टीम है इस तरीके से पाकिस्तान में, अब क्या करूं भाई, पाकिस्तानियों पाकिस्तान की तो बात करूंगा, हर चीज को मैं मिलाता हूं। अब बात ये कि जो क्रिकेट हो रही है रीजन में, पाकिस्तानी खिलाड़ियों को, पाकिस्तानी कप्तानों को, पाकिस्तानी टीम मैनेजमेंट को इनसे सीखना चाहिए कि किस तरीके से घेर के मारते हैं। बांग्लादेशी फैंस के बाद पाकिस्तानी फैन वो वाहिद फैन थे शायद जिन्हें ये लगा कि बांग्लादेश की टीम भारत में कुछ बड़ा जरूर करेगी, क्योंकि पाकिस्तान को पाकिस्तान के अंदर उस मैदान में लगातार 2 टेस्ट मैच हरा के आई थी जहां पर मैच का नतीजा ही नहीं निकलता। ये बांग्लादेश कोई बहुत तो उनके साथ ऐसा काम नहीं हुआ कि जो आप सोचे कि हाँ जी ये कैसे हो गया, ऐसे तो सोचा नहीं था, ये थोड़ी तो फाइट करते ऐसा करते वैसा करते। अब ये मेहदी हसन, ये लिटन दास कैसे, मतलब तू चल तो मैं आया वाला, बिल्कुल इनको समझ नहीं आ रही क्या करना क्या नहीं करना। इनको खुद से के 2-3 ओवर क्रीज पे स्टे कैसे कर ले, किसी ना किसी तरीके से थोड़ा सा आगे चले जाएं, तो बिल्कुल ऐसा लगा कि जैसे टेल खेलती है बिल्कुल वैसे ही खेल के गए हैं। और ये अब पाकिस्तान में लिटन दास और मेहदी ये आउट ही नहीं होते थे। लिटन दास ने तो बहुत मारा इनको, मेहदी भी जिस तरह भी निकल के छक्का मारने के चक्कर में ना, फिर बोलता है वो आई है कि गेंद बल्ले पे नहीं आई, वो क्या बोला आई है तो गेंद बाकी बल्ले पे नहीं आई, तो कैच दे के बाहर चलते बने, तो एक के बाद एक, एक के बाद एक। और ये अभी इंडिया ने डिक्लेयर किया है, पहली बात तो यह है कि उन्होंने फॉलो ऑन करवाया, फॉलो ऑन ना करवाते तो ये फिर पहले निपट जाता ये मैच टूटा। या असलियत ये थी क्योंकि बांग्लादेशी फैंस के बाद पाकिस्तानी फैन वो वाहिद फैन थे शायद जिन्हें ये लगा कि बांग्लादेश की टीम भारत में कुछ बड़ा जरूर करेगी, क्योंकि पाकिस्तान को पाकिस्तान के अंदर उस मैदान में लगातार 2 टेस्ट मैच हरा के आई थी जहां पर मैच का नतीजा ही नहीं निकलता, जहां पर पाकिस्तान ने अपनी एक इनिंग को 465 पर डिक्लेयर कर दिया था कि बस इस पे हम 2 बार फारी कर देंगे बांग्लादेश को, और वहां पर बांग्लादेश ने पलट कर वार की और पाकिस्तान को नाको चले चुपवाए। अब वही बांग्लादेश की टीम है, वो कुछ बहुत ज्यादा दिनों का फर्क नहीं है, 1-2 हफ्तों के गैप के बीच वो भारत पहुंचे, चेन्नई में उन्होंने पहला टेस्ट मैच खेला और सब कुछ तितर बितर होकर रह गया। पहले हल्का सा अपना जादू दिखाया है 146/6, उसके बाद पूरे टेस्ट मैच में कहीं बांग्लादेश नजर नहीं आए, पूरे के पूरे टेस्ट मैच में। अब देखिए हम लोगों ने जहन में बना रखा था कि यार बांग्लादेशी स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेलते हैं, अश्वन ने देखें, अश्वन और जडेजा ने क्या किया। पहले तो आप उनकी बॉलिंग का देखें कि जब वो बॉलिंग करें 146/6 करने के बाद अश्वन शो करेंगे, मतलब एक बार लड़खड़ाया भारत, सिर्फ एक बार पूरे टेस्ट मैच में। वो शुरू के जो 2 सेशन थे वो बांग्लादेश के नाम रहे थे, वो भी कंप्लीट उनके नाम नहीं रहे हैं, मतलब उसमें वो नजर आए कि मैच खेलने आए हैं, उसके बाद कहीं पर भी आपको बांग्लादेशी टीम नजर नहीं आई। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आरएस क्रिक न्यूज के एक और वीडियो में। दोस्तों, इंडिया ने बांग्लादेश को पहले टेस्ट मुकाबले में हरा दिया है, जिसे देखकर पाकिस्तानी मीडिया को बहुत ही ज्यादा मिर्ची लग गई है, क्योंकि दोस्तों पाकिस्तान की यही टीम बांग्लादेश ने पाकिस्तान के घर में घुसकर 2-0 से टेस्ट मुकाबला जीत लिया था, और इंडिया ने बांग्लादेश को बुरी तरह से रौंदा तो पाकिस्तान को बहुत ही ज्यादा मिर्ची लग गई है, क्योंकि दोस्तों भारतीय टीम ने जिस तरह से रविचंद्रन अश्विन और ऋषभ पंत और शुभमन गिल ने बैटिंग करके दिखाया है अपने घर, उन्हें देखकर दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया को बहुत ही ज्यादा मिर्ची लग गया और कह रहे कि घंटे बाबर आजम को सीखना चाहिए कि कैसे अपने मुल्क में खेल के कैसे दूसरे टीम को हराया जाता है और इतनी बुरी तरह से हराया जाता है। दोस्तों, जिस तरह से भारतीय टीम ने बांग्लादेश को पेला है, इसे देखकर पाकिस्तानी मीडिया की पच नहीं रो, पाकिस्तानी मीडिया में रोना धोना शुरू हो गया है। तो दोस्तों आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन क्या होता है, पाकिस्तानी मीडिया इस हार पे क्या बोलती है बांग्लादेश को। एक नया एरा है और वो एरा अब इंडिया को तीसरे WTC फाइनल, जो कि कंजेक्टिव तीसरा इंडिया का फाइनल होगा जो इस बार लॉर्ड्स में खेला जा रहा है, उसके बहुत करीब ला चुका है, क्योंकि अब इंडिया के पास बचे हैं 9 टेस्ट मैच और 9 टेस्ट मैच से सिर्फ इंडिया को 4 टेस्ट मैच चाहिए और इंडिया अपनी रवानगी भरेगा लॉर्ड्स के उस मैदान में तीसरा कंजेक्टिव फाइनल खेलने के लिए। This is what you call a team which believes in their process. This is what you call a team जो कि सिर्फ फ्लूक पे नहीं जीतती, क्योंकि टीम इंडिया के ऊपर माजी में बहुत इल्जाम लगते हैं कि जी पिच को डॉक्टरेट कर दिया, पिच अपने हक में बना ली, ये तो बेमानी हो गई। आज तो डाउटर्स क्या कहेंगे, आज डाउटर्स के पास क्या रहा कहने के लिए, क्योंकि
यहाँ सिर्फ अनरियल एक आपको डोमिनेशन नहीं दिख रही है, ये जो एक इल्जाम लगते थे कि नहीं जी ये तो स्पिन विकेट की वजह से जीत रहे हैं, वरना तो इंडिया को तो बड़ी बड़ी टीमें भी ना क्या कहते अपने अपने करीब ना भटकने दें, ना छोटी टीमें भटकने दें, ये तो सिर्फ पिच की वजह से होता है, वो पिच 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 करते रहे। जिस तरह रवि शास्त्री की भी एक बड़ी मशहूर स्टेटमेंट है कि पिच को निकालो गेम से, भाड़ में डालो पिच को, 20 विकेट लेने वाले बॉलर आपके पास होने चाहिए, और 20 विकेट लेने वाले जब बॉलर आपके पास होते हैं, और स्पेशली वो 20 विकेट लेने आपके पास होते हैं जो कि खड़े खड़े 200 रन की पार्टनरशिप लगा दें, आपको मुसीबत से निकाल दें, सेंचुरी भी लगा दें, 80 ऑड रन्स भी लगा दें, तो फिर मेरे ख्याल से आप और क्या मांग सकते हो। जब एक दूसरे की सक्सेस को एंजॉय किया जाता है, जब रोहित शर्मा जैसा एक पॉजिटिव कप्तान आपके पास होता है जो कि अपलिफ्ट कर रहा है आपको, रोहित शर्मा गालियां भी देता पाया जाएगा, आपको फ्रस्ट्रेट होता भी पाया जाएगा, लेकिन अच्छी बात यह है कि एक जो कहते हैं ना यूनिटी शुनिटी यूनिटी 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 कुछ नहीं होती यार, इट इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग योर टीममेट्स। बेटा इंडिया ने इनको चार दिन में पकड़ के बजा दिया है, पहली इनिंग में 149 पे, दूसरी इनिंग में भी 250 पे लुढ़का दिया इनको, इनको इनको ये बता दिया है कि भाई पाकिस्तान को जो दिल्ला कर लो, पाकिस्तान के साथ जो दिल्ला कर लो, असल क्रिकेट खेलनी है तो हमारे आगे आगे खेलो, असल डोमिनेट करना है तो हमारे आगे आगे खेलो, हमारे आगे आगे करो। बेटा आगे तो नहीं किया लेकिन इंडिया ने कर दिया, इंडिया ने कर दिया, और ऐसा किया कि भाई इनके अब्बे भी याद रखेंगे, इनके अब्बे भी याद रखेंगे। वो शांतु इनका कप्तान वो बांग्लादेश का कहता था ना, और कहता था ना कि भाई इंडिया को 2-0 पेलेंगे, इंडिया को घर में पेलेंगे। बेटा तेरी तू कौन सी इलाके से आया हुआ है, तू कौन से इलाके से आया हुआ है? ऑस्ट्रेलिया वाले बड़ी बड़ी बातें करके जा चुके हुए हैं, इंग्लैंड वाले बड़ी बड़ी बातें करके जा चुके हुए हैं, उन्होंने कभी टेस्ट मैच नहीं जीता, उन्होंने कभी सीरीज नहीं जीती, तू पुत्र किस खेत की मूली है मुझे बता दे। नहीं, इंग्लैंड वाले बड़ी बातें करके गए हुए हैं, और बैस बाल और बूस बाल और ये बाल और वो बाल बजा दिया था पकड़ के जायसवाल ने, जायसवाल 500 रन करने के बाद अगर बॉलर नहीं चल रहा तो बॉलर को आप कुछ नहीं कहेंगे, यहाँ पे 150 रन ये बचा जाते हैं। आपके लोगों ने बचाए, शहीद अजमल ने, अब्दुल रहमान ने, जुल्फकार बाबर ने बचाए, कई दफा बचाए, तो आज देखे रोहित शर्मा की कप्तानी बहुत ही नेक्स्ट लेवल है। जब वो चाहता है ही प्लेस विद द ओपोनेंट्स, वो उनके साथ खेलता है, जब उसका दिल करता है वो मैच खत्म कर देता है। याद देखिए, मैंने बिल्कुल किया फेसबुक पे, लेकिन देखिए मेरा अपना एक पेशेंस है, आपका अपना पेशेंस है, पेशेंस है। मैं समझता था कि अश्विन को ले आना चाहिए था, पहले खत्म कर देता, लेकिन अगर मैं रोहित शर्मा की उससे सोचूं, रोहित शर्मा के बहुत बड़ा फैसला, ही डिस्ट्रॉयड बांग्लादेश मेंटालिटी, उसने ज़हनी तौर पे उनको कुचल दिया, तोड़ दिया। जब मैं चाहूंगा तुम्हें फारिग कर दूंगा, मतलब ये ऐसे ही होता है, आई केम आई सॉ आई कॉन्कर्ड यू। और देखिए इतनी कमांड है रोहित शर्मा को अपनी टीम पे, इतनी रिस्पेक्ट है रोहित शर्मा की इस टीम में कि वो गालियां देता है, लिटरली ही अब्यूज एवरी सिंगल पर्सन इज ओबीडियंट टू रोहित शर्मा। व्हाई व्हाई ही अर्न दैट, ही कमांड दैट। ये अपनी परफॉर्मेंस से, अपने कैरेक्टर से, ऑन द फील्ड वेरी जो है वो शाकिब और साथ में शांतु जब बैटिंग कर रहे थे, ये लग रहा था कि शायद ये मैच जो है वो आज दूसरे सेशन तक जरूर जाने वाला है, शायद आज का पूरा दिन बांग्लादेश की टीम खेल जाए, लेकिन अश्विन के आते ही जो है बांग्लादेश के छक्के छूट गए, और जो है ये मैच इंडिया की टीम ने बड़े आराम के साथ चुटकियों में जो है जीत लिया है, और बांग्लादेश को ये बता दिया है कि ये पाकिस्तान की टीम नहीं है, ये इंडिया की टीम है। आप बड़ी बड़ी बातें करके तो आए हुए थे कि हम जो है वो इंडिया को भी पाकिस्तान की तरह व्हाइट वॉश करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन ऐसा आपके बस में नहीं है इंडिया में खेल के। और आज जो है वो बता दिया अश्विन ने कि अश्विन दुनिया का बेहतरीन ऑलराउंडर है, अगर इसको ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम कहा जाए ना, कोई इसमें डाउट नहीं होगा। जिस तरह से इस बंदे ने जो है वो पहले बैटिंग की और उसके बाद जिस तरह से इस बंदे ने बॉलिंग किया, यार अनबिलीवेबल अनबिलीवेबल बॉलिंग के आते साथ जो चुटकियों में जो है बांग्लादेश की जो खोती बिठा के रख दी यार। दोस्तों आपने वीडियो क्लिप में देखा कि कैसे पाकिस्तानी मीडिया की पूरी तरह से जल गई, क्योंकि दोस्तों भारतीय टीम ने बुरी तरह से हराया है बांग्लादेश को, इतनी बुरी तरह से हराया कि पाकिस्तानी को यह बात पच नहीं रही है, क्योंकि दोस्तों यही बांग्लादेश की टीम पाकिस्तान के घर में घुसकर 2-0 से हरा दिया था, जिसे पाकिस्तानी दोस्तों बर्दाश्त नहीं कर पा रहे और पाकिस्तानी मीडिया में रोना धोना शुरू हो गया है। और पाकिस्तानी मीडिया ये भी कह रही है कि भारतीय टीम अपने घर में अपने हिसाब से पिच बनाती है, तो तुम लोग क्या कर रहे थे पाकिस्तानियों, तुम लोग भी तो अपने घर में अपने हिसाब से पिच बना सकते थे, लेकिन तब भी दोस्तों बांग्लादेश की टीम ने पाकिस्तान के घर में घुसकर उन्हें 2-0 से पेल दिया। लेकिन दोस्तों भारतीय टीम की बात करें तो भारतीय टीम के दोस्तों सभी प्लेयर जो हैं सुपर हीरो होते हैं, क्योंकि दोस्तों विराट कोहली, रोहित शर्मा और ऊपर के जितने भी टॉप ऑर्डर बैट्समैन नहीं चले तो देखिए भारतीय टीम के जो गेंदबाज
बल्लेबाज है रविंद्र चंद्र अश्विन हो गए, जडेजा हो गए, इन्होंने कमाल करके दिखाया। और दोस्तों अश्विन ने जिस तरह से शतक लगाया इसे देखकर दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया को बहुत ही ज़्यादा मिर्ची लग गई है। और दोस्तों तीसरे दिन तो रवि सुमन गिल और ऋषभ पंत ने इतने शानदार सेंचुरी लगाया कि जिसे देखकर पाकिस्तानी मीडिया उनकी दीवानी हो गई दोस्तों, खास करके ऋषभ पंत की। दोस्तों ऋषभ पंत इतने लंबे समय के बाद टेस्ट मैच खेलने के लिए आए थे, कार एक्सीडेंट उनका हो गया था, इसी वजह से दोस्तों उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ अपना पहला टेस्ट मैच खेला। और पहले टेस्ट मुकाबले में दोस्तों पहले दिन उन्होंने 43 रन मारे और दोस्तों आज दोस्तों तीसरे दिन दोस्तों ऋषभ पंत ने 109 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली। लग ही नहीं रहा था अगर दोस्तों ऋषभ पंत टेस्ट मुकाबला खेले तो वो तो दोस्तों T20 बनाकर खेल रहे थे। जिस तरह से दोस्तों छक्के चौके लंबे लंबे छक्के लगाए थे इसे देखकर पाकिस्तानी मीडिया चीख उठी। और पाकिस्तानी मीडिया दोस्तों कह रही थी कि हम तो ऋषभ पंत के दोस्तों दीवानी हो गए हैं। और घंटे बाबर आजम और रिजवान को पाकिस्तान की टीम को पूरी पाकिस्तान की टीम को ऋषभ पंत और भारतीय टीम से सीखना चाहिए कि कैसे अपने घर में बैटिंग किया जाता है, कैसे दूसरी टीमों को हराया जाता है और इतनी बुरी तरह से डिफीट किया जाता है। इसे देखकर दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया पूरी तरह से सॉफ्ट हो गई है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे कौन है वीडियो तक लिए।